नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। गाइज, आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फाइविंग टेक पर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। एक सैमसंग का एक पीडीएफ व्यूअर होता है, मतलब कि इनबिल्ट होता है, आप लोगों को पता नहीं होता। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से या फिर किसी अदर तरीके से, वो अपना पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए कुछ भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर काफ़ी फ़ोन्स के अंदर आता भी है अपना। तो सैमसंग के फ़ोन में लगभग क्या होता है कि आपको यहाँ पर मिलता नहीं है कोई प्री इंस्टॉल्ड पीडीएफ व्यूअर। तो यहाँ पर मैं प्री इंस्टॉल की बात कर रहा हूँ, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि मैं आपको क्या ट्रिक बताने वाला हूँ। वेल, सैमसंग के जितने भी फ़ोन्स हैं उनके अंदर आपको सैमसंग नोट्स का ऑप्शन जरूर मिलता है, ये वाला। तो इस नोट्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है पीडीएफ का। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आ जाते हो कि पीडीएफ लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस का आइकन है। आप जो अगर आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा पीडीएफ। तो सपोज़ आपके फ़ोन में कहीं पर भी पीडीएफ फाइल पड़ी है तो यहाँ पर आपको शो कर देता है। तो इसके थोड़े से और भी फायदे हैं जिससे मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली सपोज़ यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी मतलब कि पीडीएफ फाइल ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने स्कैन किया हुआ है ऑफिस लेंस के अंदर। तो यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर ये मान लेता हूँ मैं, ये वाला बॉक्स वाला जो मेरा है इसको मैं डन करता हूँ, एंड ये पीडीएफ फाइल मेरी ओपन हो चुकी है। तो अभी इसके अंदर मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर, जिसके अंदर मैं इसे कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। और इसके अलावा सपोज़ कि यहाँ पर कुछ भी मैंने लिख दिया, ए बी सी डी या कुछ भी मैं लिखता हूँ यहाँ पर, सपोज इसके अंदर क्लिक करके ए बी सी कुछ भी लिखता हूँ, तो कुछ भी एडिटिंग करने के बावजूद आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली सेव भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सेव एज फाइल का ऑप्शन आएगा, फाइल के ऑप्शन के बाद आप इसे किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। तो ये काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी एक्साइटिंग फीचर है, जो मेरे की सैमसंग के जितने भी यूज़र्स हैं उनको पीडीएफ फाइल या फिर अदर किसी फाइल में दिक्कत आती होगी तो यहाँ से वो उसको सेव कर सकते हैं, उसको जो कि प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पीडीएफ फाइल में क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर पीडीएफ की फ़ाइल की तरह सेव हो जाती है। अगर आप चाहते हो इसके अंदर आपको एक बैकअप का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी है आपका बैकअप मिल जाता है, मतलब कि इसमें जाते हैं ना। तो यहाँ पर क्लाउड का मैंने अपडेट नहीं कर रखा है, तो अगर आप सिंक भी कर देते हैं क्लाउड के साथ तो क्लाउड के साथ भी ये सिंक हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब आपने फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सेव रख सकते हो। तो सिंपली इसी लिए मैंने ये वीडियो बनाया, सिंपल, बहुत सिंपल सा था कि नॉर्मली काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपनी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।